ऑलराइट, सो हे गाइस, व्हाट अप एवरीबॉडी, इट्स रोहित जैन बैक विद अनदर वीडियो। डूड, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ईच एंड एवरीवन। आज का जो व्लॉग है हम वो बहुत लंबा मारने वाले हैं, क्योंकि वैसे पास में तो ऐसा कुछ नहीं है और हम सब फ्रेंड्स सारे निकले हैं राइड करने के लिए, कहीं दूर घूमने के लिए जाएंगे। उसके बाद सुबह से बहुत बारिश हो रहा था, हम सोचे थे कि बोंगाईगांव साइड जाएंगे, लेकिन उस तरफ कैंसिल कर दिया। वहाँ अभी हम पहुंच चुके हैं रोंगजुली और आप यहां पर देख सकते हो कि खेत पर आंटियां काम कर रही है। उसके बाद अभी हमने सोचा कि जाएंगे उकियम की तरफ या फिर छोएगांव भी जा सकते हैं, तो अभी देखते रहिए। और यहां का नज़ारा एकदम ज़बरदस्त है। और ये रहे मेरे कुछ दोस्त, और आगे भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं कुछ दोस्त जो बोको से जाएंगे शायद। तो वंदे मातरम बोलो। तो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं रोंगजुली। तो अभी हम चल रहे हैं, लोकेशन फिक्स नहीं है, आगे चल के आपको पता चलेगा, तो देखते रहिए। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा असम का ब्यूटी, जो चारों तरफ से पेड़ पौधों से घिरा हुआ, लेफ्ट में भी पेड़, राइट में भी पेड़, सिर्फ बीच से जाते रहो। रास्ता भी एकदम ज़बरदस्त है, विजिट करो। असम इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। दूर मतलब जब देखोगे तभी पता चलेगा, जब अपने आँखों से देखोगे तुम्हारी आँखें खुली की खुली रह जाएगी, जो इसका ब्यूटी है। इस वक्त हम हैं राजा बरा में और यहाँ कुछ रोटी सब्जी खा के निकलते हैं। आज सुबह जो बारिश हुआ ना, 10:30 बजे तक लगातार बारिश होती रही, उसके बाद कहाँ जाओ, आज का दिन ऐसे वेस्ट हो गया। इसीलिए जब बारिश रुका तो बोंगाईगांव वाला प्लान कैंसिल करके हम इस तरफ आ गए, क्योंकि उस तरफ तो हम जाते रहते हैं, इस तरफ तो हम लोगों का मतलब आना जाना थोड़ा कम ही होता है। ये रहा वो होटल जहाँ पर हम खाए थे। हम यहाँ रुके थे राजापारा पे, तो अभी शायद उकियम जाएंगे, लेकिन लोकेशन अभी तक फिक्स नहीं किया। उकियम भी जा सकते हैं या फिर मिर्जा जाएंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए, मिलते हैं आपसे बाइक पे।
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it. Manali to yun hi badnaam hai. Isliye maza to hamare Assam mein hai. Yahan ke log, यहाँ का जो कल्चर है, सब कुछ क्या बताओ यार, बस आप लोग नज़ारे का मजा लो तो और कुछ नहीं. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? अभी हम थोड़ा दूर आगे जाके वहाँ से राइट लेके उकियम के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास. ऑलरेडी अभी 3 बज चुका है. अगर हम मिर्जा जाएंगे तो और लेट हो जाएगा, घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगा. इसलिए हमने यहाँ से राइट लिया और इस राइट का मजा लूटो. दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली, बीच बीच में खेत, सड़क एकदम 10 out of 10. रूट वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसीलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ. ये होगा पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2. पार्ट 2 में आप देखोगे कि यूक्यूम में हम लोगों ने क्या किया. वो वाला पार्ट मैं 2 दिन बाद अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बहुत मतलब 1 घंटा जैसा होगा अगर मैं सब फुटेज चुना, क्योंकि इस सब को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि फुल ऑफ ब्यूटी, फुल ऑफ भैया. अभी हम आ चुके हैं हैंगिंग ब्रिज पे, पूरा हिला डालेंगे सब कुछ.